हमारे योद्धा का भी अभिनंदन जिंदल जी। आदरणीय अन्ना जी, बाबा रामदेव जी, वे भाइयों, मैं न तो अन्ना टीम से बंधा हुआ हूं और न ही बाबा रामदेव के सपोर्ट में हूं। बाबा जी के तो दर्शन आज ही हुए मेरे को और अन्ना जी से कुछ दिन पहले मिला था, लेकिन मैं अपने ढंग से जो करना चाहिए मेरा फर्ज बनता है वो कार्य करता आ रहा हूँ और बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, जिसका किसी को पता भी शायद नहीं होगा। तो मेरा यहाँ आने का तो कारण ये था कि टीवी देख रहा था मैं घर में अभी थोड़ी देर पहले, तो 4:30 बजे देखा कि रिपोर्टर के बीच और केजरीवाल के बीच काफ़ी टसल चल रहे थे। वो उल्टे सुलटे सवाल पूछ रहा था, उसका पसीना आ रहा था केजरीवाल के, और वो लड़का अच्छा है लेकिन कभी कभी बात बोल जाता है बचपन में। तो मैं बाबा जी से भी अर्ज करूँगा कि बड़ों को क्षमा चाहिए, छोटन को उत्पात, तो कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी होती है। तो मैं इसीलिए आया था भाग करके 80 साल की उम्र में, और भीड़ के बीच में से निकला तो एक दो जगह गिर भी गया, लेकिन पसीना पसीना फिर पक पक कर लिया है मेरे को। जो कभी ये बंधी हुई भारी है, हमारे हरियाणा में कहते हैं ये भारी ना खिंड पिंड हो जाए, खुल जाए, तो बड़ी मुश्किल से आई है और इसकी एक ताकत से बहुत कुछ हो सकता है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अरविंद जी ने एक और भी कही जोश में आकर के गलती कही समझे कि भाई ये लोग जो नेता लोग हैं वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, कोई पार्टी नहीं चाहती कि लोकपाल दल मिले, करप्शन खत्म हो, ऐसा होने से वो खुद जेल में जाएंगे। तब बताइए कौन बनाएगा तो लोकपाल, क्या हम बना देंगे? बनाना तो है राजनीतिक ने, क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो विधान बनाता है 65 साल पहले बड़े
डिवोटेड नेताओं ने बनाया था जो बड़े सिंसियर थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक समय आएगा जब डाकू लोग इस देश को लूट जाएंगे इस विधान का सहारा लेकर के। तो वो हो रहा है, तो उसके मुताबिक हमें और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इन लोगों से कराना होगा, जैसे भी कराना होगा। जिस तरह बाबा रामदेव जी कह रहे हैं भाई उनके पास जाएंगे, बोलेंगे, मिलेंगे, बुलाएंगे, चपलाएंगे, कोई भी ढंग से करके करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जोश में आकर के कुछ कह देते हैं कि भाई नाम ले दिया तो क्या कोई खास बात, मैं नहीं समझ। जनता को दुख दे रहे हैं, लूट रहे हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले जिसका नाम अभी बाबा जी ने सुनाया, बताइए इतना रुपया अगर इकट्ठा हो जाए तो ये सारा ग्राउंड में भी नहीं समाएगा है, और उससे सारी जनता सुखी हो जाएगी। देखिए 6 लाख गांव हमारे देश में और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके के अंदर गरीबी दूर कर सकते हैं। 35 करोड़ लोग गरीब है जिसमें 30 करोड़ है गाँव में, 5 करोड़ है अर्बन एरियाज में। तो ये कंपलसरी कर दे कानून द्वारा का हर एक इंडस्ट्री 1 से लेकर 100 गांव तक अडॉप्ट करेगी और हर एक बेसिक फैसिलिटीज देगी, जैसे पीने का पानी है, हाइजीनिक कंडीशन है, स्कूल है, हेल्थ केयर है, ये देनी पड़ेगी उनको अगर कंपलसरी कर दिया तो, लेकिन वरना नहीं। तो ये सब चीजें कर सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला करप्शन खत्म हो। करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर इल्स। जो हमारा महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, ये सब करप्शन की वजह से है। और काला धन है ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जिसका कोई ठीक नहीं है। बाबा जी ने पता नहीं कहाँ से फिगर इकट्ठे किए, कितनी मुश्किल से, हमें इतना पता नहीं है, लेकिन वो सब चीज इसके साथ होगी। लोकपाल अगर हो गया तो कोई करप्शन करेगा ही नहीं, पैसा नहीं इकट्ठा करेगा, काला धन का उनको लेना पड़ेगा। बाद में फिर इलेक्शन रिफॉर्म भी करेंगे, फिर ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो भी सुधरेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जाएगा। सारी चीजें अभी तक की है उन लोगों ने, अपने ही सुविधा के अनुसार की है, अब आगे जो की जाएगी वो हमारे पब्लिक के सुविधा के अनुसार की जाएगी। पब्लिक को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको पता नहीं क्या कुछ होगा। तो यही मेरी प्रार्थना है, मुझे तो बोलने का और का ज्यादा है नहीं ले जा, लेकिन फिर भी स्वामी जी की कृपा से और अन्ना जी की दया से मैं थोड़ा कुछ बोल पाया हूँ। मैं 2 शब्द कहूंगा कि अर्जल भगवान को किसी ने देखना है तो इनमें देखें, अगर मेडिटेशन में बैठे 2 मिनट के अंदर आपको भगवान दिख जाएगा। भगवान स्वरूप है और फकीर है, इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, इनके दिल में लगी हुई है तड़प, यही खून उबाला खा रहा है कि किस तरह से मैं जनता को आजाद करवा सकूं। आजाद नहीं है हम, आजाद जब भी नहीं थे अंग्रेजों के राजा में, अब हम और भी दुखी हैं। धन्यवाद। और पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने अपने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधि भाई गौतम जी यहां पर भेजे और वो भी हमारे इस पूरे अभियान में साथ हैं। और जब 9 अगस्त से जब आर पार की जंग शुरू होगी, इस बार आए हो जितने भी 1000 और अगली बार करोड़ों लोग एक साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसकी होगी सरकार जिम्मेदार। पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं इस बार के सुचारू कार्यक्रम को संचालित करवाने में सहयोग करने के लिए। सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक संगठनों ने इस अभियान को जिन्होंने समर्थन दिया है, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों ने भी, आदरणीय अन्ना साहब हमारे साहब सबके साथ तप किया, इन्होंने भी अनशन किया, एक बार जोरदार तालियां हमारे मीडिया के भाइयों के लिए, इन्होंने इनकी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है, करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। सभी स्टेट कैपिटल्स में लाखों भाई बहन इस अभियान में जुड़े हुए हैं। और अब शाम को 6 बजे के बाद यद्यपि दिल्ली में कोई कार्यक्रम नहीं रखा है क्योंकि कोई अराजक तत्व ना घुस करके बीच में, हिंदुस्तान के 647 जिलों में मशाल जुलूस निकलेगा, कैंडल जुलूस निकलेगा, रैलियां निकलेंगी, पद यात्राएं निकलेंगी, पूरे हिंदुस्तान भर में करोड़ों लोग खड़े होकर के कहेंगे अब हमें मजबूत लोकपाल चाहिए, अब हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, हमें काला धन चाहिए, हम सब मिलकर के देश को बचाएंगे, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और इस अभियान से
सदा जुड़े रहने के लिए और आगे की जंग को जारी रखने के लिए 02233081122 ये नंबर आस्था और संस्कार चैनलों पर भी निरंतर प्रसारित होता रहता है। आप वेबसाइट भारत स्वाभिमान की और फेसबुक वो भी जरूर देख करके इस अभियान से निरंतर जुड़े रहें और सब मिलकर के अब अंत में हम राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का गीत गाते गाते 7 लाख से ज्यादा वीरों ने शहादत देकर के जो हमें आजादी दिलाई मिलकर के सब सीधे खड़े हो जाएंगे वंदे मातरम के बाद प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोले भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबको सलाम प्रणाम आदाब सत श्री अकाल सबको नमस्ते सबको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम।